कैल्शियम कंपैरिजन करना है एटम और आयन के दरमियान में, ठीक है। एटम का देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और आयन आपने पढ़ा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड आपने पढ़ा था, हम इसको यूनिट का नाम मतलब देते हैं, क्यों आपने इसको स्पेसिफिक नाम पढ़ा है, विच इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अगर सिंपल कोई कंपाउंड हो तो हम उसका यूनिट नहीं कहते, हम उसको सिंपल हम मॉलिक्यूल्स की संख्या लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। आप जब भी एटम लिखते हो, लाइक आपने हाइड्रोजन एटम लिखा, आप उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लिखोगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा किसके ऊपर लिखा जाता है, आयन के ऊपर लिखा जाता है। तो मतलब आयन के ऊपर हमेशा नेट चार्ज होता है, विच मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है एटम जो है कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन जो आयन होता है इट कैन नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्यों? क्योंकि जो आयन होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है, इस वजह से वो आज़ाद जो है बिल्कुल नहीं रह सकती, वो किसी ना किसी से रिएक्ट कर जाएगी, इस तरह से वो कंबाइंड फॉर्म में जो है वो रहेगी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूल देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। एटम का आपने जस्ट कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये किसी एलिमेंट का या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। और मॉलिक्यूलर एंड आपने पढ़ा कैसे बनता है, फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल ऑलवेज न्यूट्रल होता है जस्ट लाइक एटम, जिससे आपने लिखा था कि एटम क्या होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन जो आयन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल आयन होता है कैन हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आगे हम मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल यूनिट होता है। जब एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एटम्स जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल क्या होता है फिर वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, इस वजह से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मॉलिक्यूल आयन को देखें तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है, मतलब वो स्टेबल नहीं होती। आगे आपने पढ़ा मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनता है, मतलब एटम्स के आपस में मिलने से बनता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन है वो कैसे बनता है, जब कोई मॉलिक्यूल में आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन का मतलब कि मॉलिक्यूल या तो आयन जो है वो बनाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव बनाएगा, आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारे टॉपिक कवर हो गए। दैट फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल हम देखते हैं, फ्री रेडिकल हम किसे कहते हैं। आपने सिंपल रेडिकल पढ़ा था, सिंपल रेडिकल ये था ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड रेडिकल। फ्री रेडिकल हम कहते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ओड नंबर किसका हो, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल उसको हम कहते हैं, ठीक है। और वो जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हम कैसे शो करते हैं, हम उस एलिमेंट या उस एटम के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है। एक डॉट किसको शो कर रहा है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल की एग्जांपल देती हूँ मैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एग्जिस्ट करते हैं, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो सनलाइट से आ रही होती हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि वो जो है हमारे जो ओजोन है, जो ओजोन है उससे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास होती हैं, हमारी ज़मीन तक आती हैं, ठीक है। और जो है हमारी ज़मीन से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है वो बाहर नहीं जाने देते, बल्कि उनका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्रिएट करते हैं कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनके अंदर जो क्लोरीन होता है उसमें ये सलाहियत होती है कि वो ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। इस तरह से ओजोन मॉलिक्यूल डैमेज हो जाते हैं और होल क्रिएट हो जाता है। तो वही क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो हम फ्री रेडिकल में मोस्टली एग्जाम्पल देते हैं कि हम कहते हैं कि वो क्लोरीन जो था पहले मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, CN2 था, ठीक है। लेकिन जैसे ही सनलाइट आई उसने जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब की, तो ये जो मॉलिक्यूल है असल में हम इसको कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं CN सिंगल बॉन्ड CN, मतलब ये जो मैंने बॉन्ड था, ठीक है, जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब की, सनलाइट की एब्जॉर्ब की तो ये बॉन्ड जो है ये यहाँ से टूट जाएगा।
इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर में से टूटेगा, और जैसे ये टूटेगा इस तरीके से ये दोनों एटम्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। और क्योंकि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहा होता है, तो क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा, दूसरा इसके ऊपर चला जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं CN डॉट, और CN डॉट कितने बने, 2। तो दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते, और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होती है, और इनके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे भी और हमारी हेल्थ पे भी, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो मिथेन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। मिथेन मॉलिक्यूल क्या होता है, CH4, उसमें आप दे रहे हैं कि इसके 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, मतलब 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। सनलाइट एनर्जी की मौजूदगी में क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरीके से CH3 बनेगा, उसके ऊपर आप डॉट निकाल देंगे और वो किसको शो करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल को शो करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माय टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, बी प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट लेक्चर। एंड जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम अभी जो है वो सिंपल जो टॉपिक्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपको बेसिक चीज़ें बताऊँ, उसके बाद हम आई सी से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलें।